देख रहे हैं यहाँ से की आवाज। आज हम खड़े हैं NH9 हाईवे हिसार दिल्ली बाईपास पर, जो मार्ग है जो, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से हादसों को निमंत्रण देने वाला 11,000 वोल्टेज का खंबा, अमन होटल है यहाँ पर साथ में, उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये खंबा कैसे झुका हुआ है, और कभी भी तेज हवा के झोंके या स्ट्रॉम से ये गिर सकता है, बारिश से, मानसून की बारिश से गिर सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे साथ खड़े हैं अमन होटल के स्वामी श्री राधेश्याम सैनी जी, इनसे जानेंगे कि आपके होटल के बिल्कुल साथ लगता है ये खंबा 11,000 वोल्टेज का किस तरह से झुका हुआ है और ये कभी भी गिर सकता है। कभी आपने इसकी बिजली विभाग को या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी को इसकी सूचना दी है क्या? बिल्कुल सर, बंसल जी धन्यवाद आज की आवाज पे, और आपके जो सभी दर्शकों का मेरा तहे दिल से धन्यवाद। बंसल जी, ये अभी नया पोल लगाया था बिजली विभाग ने, पहले ये नीचे की साइड गड़ा हुआ था, वो जगह पक्की थी, तो जिस टाइम लगा रहे थे मैंने उनको बोला था ये जगह कच्ची जगह है, या तो आप इसको पूरा नीचे दबाओ, ये बरसात आएगी तो ये पोल आटा हो जाए, या इसका सपोर्ट लगाओ साइड में झुकाव के लिए। वो खाना पूर्ति कर गए, खाना पूर्ति पूरी कर दी, ठेकेदार ने कार्य किया था, और मैंने विभाग को एक बार नहीं कई बार अवगत करवा दिया, प्रशासन को, यहाँ के लाइन मैन को अवगत करवा दिया, 3 लाइन मैन है यहाँ पे, करमवीर है, बलवीर है, प्रदीप है, जब मौके पर ड्यूटी होती है अध्ययन तो यहाँ ड्यूटी पे होते हैं, कई बार नहीं होते, उसको बोलता हूँ तो आज मेरी ड्यूटी नहीं है, आज मेरी ड्यूटी नहीं, आज मेरी ड्यूटी नहीं है, उसके बाद हम एक्शन को बोलते हैं तो कहता आप SDO साहब को बोलो, SDO साहब से बात करते हैं तो ये मेरा मैक मानी है, आप लाइन मैन को बोलो, आप मेरे को डायरेक्ट क्यों बोलते हो, हम किसको बोलते हैं, आए दिन बरसात होती है तो ये झुकता झुकता पूरा झुक गया, अब की बार बरसात आ गई तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा जी। ये सड़क पर गिरेगा और ये सारा करंट आपके होटल पे भी जा सकता है? बिल्कुल जाएगा, गाड़ियां खड़ी होती है इसके नीचे, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा जी, और एक नहीं इसके साथ और पोल भी टूटेंगे जी, जैसे ये पोल गिरेगा वजन के साथ में दूसरे टूटेगा, ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, यहाँ कम से कम काफी मात्रा में गाड़ियां खड़ी होती है जी। बिजली निगम के अधिकारी कितने लापरवाह हैं इसकी एक वानगी हम दिखाते हैं कि NH9 हाईवे पर ये खंबा बिल्कुल झुका हुआ है, ये कोई छोटी मोटी वोल्टेज का खंबा नहीं है, ये 11,000 वोल्टेज का, राधेश्याम सैनी जी बता रहे थे अमन होटल के मालिक कि 11,000 वोल्टेज की इसके ऊपर तारे कसी गई हैं, और कई बार यानी कि XCM तक यानी कि इन्होंने इसकी सूचना दी है और उनको गुहार लगाई है कि इसे ठीक कीजिए या इसको उखाड़ कर अच्छी तरह गाड़िएगा, लेकिन जब तक हादसा नहीं होता है इन अधिकारियों की आंख भी नहीं खुलती है। हम भी अधिकारियों को यही कहते हैं कि इसकी सुध ले, इस खंबे को सीधा करें और दुरुस्त करें और इसको गाड़े, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है, ये होटल के ऊपर भी करंट जा सकता है, वाहनों के ऊपर भी गिर सकता है। राधेश्याम जी आपकी बात वाजिब है बिल्कुल, हम अधिकारियों तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे और अधिकारी भी इस बात का संज्ञान ले कि इस खंबे को ठीक कीजिए, वरना ये 11,000 की वोल्टेज का किसी वाहन पे गिरा, सड़क पे गिरा या होटल के ऊपर खड़े हुए वाहनों पे गिरा तो बहुत बड़ा भयंकर हादसा होगा, इससे बचने के लिए आप अपनी कार्य प्रणाली को सुधारें। और क्या कहना है राधेश्याम जी? नहीं बंसल जी, मैंने तो जो काफी बार बोल दिया, मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का, मैंने यहाँ लाइन मैन है उनको सबको मौके पे बुलाकर दिखाया, ये बिल्कुल बड़े मायूस है ये होटल स्वामी, और कह रहे हैं कई बार यानी कि निचले स्तर के अधिकारियों को कर्मचारियों को भी इसका मौका मुआयना करवाया है, लेकिन उनकी कानों पे जो नहीं रेंगती, हम आपको बिल्कुल सही ढंग से आपको संज्ञान में ला रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराइएगा और हादसे को निमंत्रण ना दे इससे पहले इसे ठीक करवाइए। मैं राजीव बंसल एक ऐसी खंबे की तस्वीर दिखा रहा हूं जो सड़क पर हाईवे पर झुक चुका है 11,000 वोल्टेज का, देखते रहिए हंसी की आवाज।